क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाई नगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के लिए स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जाके भी एक मुर्गी के डब्बे के अंदर पार्टी को बिठाया गया था। लोग बौखला रहते थे कि भाई ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करते, बट दादा बात कड़वी करता है। यहाँ किसी को एक अपॉइंट करते वक्त दूसरे की नाराजगी नहीं दिखेगी। लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिखावा करते रहे, वो अपने आप को काम का जो मसीहा बता रहे थे उससे अच्छी तो बीजेपी थी, वो तो सामने से वार करती है। सरकार में रह के अपने आवाम को मदद करेगी, उससे अच्छा मसीहा मैं हूँ मुसलमानों का। मेरे को तो गाना गाना आता नहीं आपके विधायक के जैसा। जी राजा सिंह बताया जा रहा है 25 तारीख को आने वाले हैं, जबरन नारे लगवाए जा रहे हैं। हाल में मीरा रोड का मामला आया, वही ट्रेन का मामला सामने आया था, बुलडोजर फिर कैसे चला। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। नजीब मुल्ला का एक बयान सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा था। दरअसल वो बयान था कि मुस्लिम समाज को जो है वो बीजेपी पार्टी से जुड़ना चाहिए, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के कुछ लोग उस वीडियो को वायरल करते हुए नजीब मुल्ला पर तंज कस रहे थे। इसके अलावा नजीब मुल्ला ने और भी उसी भाषण के दौरान कुछ और भी जो ठाने और कुत्ते भोंकने को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किया था उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर हमने नजीब मुल्ला से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। जी मैं क्या कहेंगे, आज माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया और युवक कांग्रेस का, उसके अलावा स्टूडेंट विंग के भी लोगों को क्या कहेंगे? आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि जब नीयत साफ हो और काम करने का और लोगों को खिदमत करने का जज्बा हो तो आवाम जुड़ती है। अकेला निकले थे, काफिला बनता जा रहा है। आज इस खुशी के मौके पे आज शाम कलवा मुमरा के विद्यार्थी कांग्रेस के, आज हमने कलवा मुमरा के विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति की, कई हमने युवक के विधानसभा और बाकी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सालों साल से कार्यकर्ता करके मुमरा कौसा की सर जमीन पे काम करने वाला रफीक चाचू के आज हमने अल्पसंख्यक समाज का अध्यक्ष चुना है। ये एक नई शुरुआत है। हमने पहले ही कहा था कि जो एक ग्रहण जो लगा था पार्टी को, एक मुर्गी के डब्बे के अंदर पार्टी को बिठाया गया था, मैं इस मैं को जब हम में तब्दील करेंगे, हम सब में तब्दील करेंगे ये अल्फाज को मैं से, तो पार्टी कितनी मजबूत हो सकती है, लोग कैसे जुड़ सकते हैं ये आपने देखा है। और बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े तादाद के अंदर विद्यार्थी, नौजवान और सभी बुज़ुर्ग शख्सियत आज यहाँ मौजूद है और कलवा मुमरा से खुसूसन अपॉइंटमेंट के लिए लोग इधर आए हुए हैं और एक अच्छा माहौल है, अच्छी तादाद है, लोग जुड़ रहे। अजीत दादा के साफ अल्फाज, साफ नीति और जो बोले वो करने का उनका काम का तरीका, इससे लोग जुड़ रहे। आज तक लोग सियासत से थोड़े से उलझे हुए रहते थे, लोग बौखला रहते थे कि भाई ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करते, बट दादा बात कड़वी करता है और मीठे अल्फाज ना वापरते, बात सच्ची करता है और जो बोलता है वो करता है, उसके लिए लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मुमरा कौसा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी थी, बट असलियत घड़ी और बहुत खुशी के माहौल के साथ आज ये अपॉइंटमेंट हो रहा है। आज ये अपॉइंटमेंट के आप देखेंगे, यहाँ रंजिश नहीं दिखेगी आपको, यहाँ मायूसी नहीं दिखेगी आपको, यहाँ किसी को एक अपॉइंट करते वक्त दूसरे की नाराज़गी नहीं दिखेगी। ये अपने खुद अपने तरीके से लोग आए हुए आगे, तो जो हमने कौसा मुमरा, कलवा मुमरा के अंदर सबको वादा किया था, जो एक मायूसी का माहौल हुआ था सियासती लोगों के साथ, वो हम दूर करेंगे। मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हुए हैं और ये मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का मुझे पूरा यकीन है। विद्यार्थी अध्यक्ष, युवक के पदाधिकारी और हमारे रफीक चाचू ज़रूर आवाम तक पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत को अंजाम देंगे। आज भी बहुत सारे काम पेंडिंग है, मसले मसाइल पेंडिंग है,
लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिखावा करते रहे, आज हकीकी तौर पे काम की अच्छी शुरुआत हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन सब के साथ कंधे से कंधा लगा के आज अजीज़ भाई है, सरफराज है और वनु है और तकरीबन सभी लोग हैं। आज हमारे अनीस भाई इतने साल बाद हमको मिला, ऐसे सभी लोगों को मिल जुल के आज हम लोग आगे वहाँ के काम करेंगे, ये इंशाल्लाह उम्मीद है हमको। आपने जो भाषण दिया उसमें जो है कुत्ते का भुगने का जिक्र किया, इसके अलावा खाने का भी जिक्र किया, दरअसल इशारा आपका किसके तरफ है? कैसा है मेरा इशारा नहीं दिया, मेरे पूरे 18 मिनट के भाषण के अंदर आप मुकम्मल सुनिए क्या है। पहले से मैं आपको क्या कहा, म का ब बोलने का, ब का क बोलने का, ये वो नेता की पहले से खासियत रही है। मेरे भाषण के अंदर जो आपने आज दो दिन से जो वीडियो वायरल हो रहे थे, क्या है कुछ भाड़े के रखे हुए कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के नाम पे अलग अलग तरीके से पत्रकार बोल के फैलाया करते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं, मगर उससे ज़्यादा तो मेरा तो वो बीजेपी का साथ दिया नजीब मुल्ला ने, अब नजीब मुल्ला बीजेपी के, वो ज़्यादा वायरल हुआ है मेरे ख्याल से, कुत्ते भूखने से ज़्यादा वो वायरल हुआ है, उस पर बात कीजिए ना, खुल के बात करेंगे। पूरा भाषण सुनिए, हमने पूरा भाषण सुनिए, हमने साफ दिल से कहा और मैं उस बातों पर पूरा कायम हूँ। उसपे भी लोग सवाल, उसके ऊपर सवाल कर, एक तरफ मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है और वही आप बीजेपी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। आप हमने बीजेपी प्रहार करती है तो सामने से करती है। देखो सुनो मेरी, हमने कहा मुकम्मल तौर पे भाषण सुनिए, हमने कांग्रेस के ऊपर कहा बाबरी मस्जिद इतने बड़े डायस पे, आपने तो इस बात को सराहना चाहिए था कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जाके भी हमने अपने उसूल, अपने जज्बात और अकलियत का हक की बात हम भूले नहीं, वो डायस पे से कहे ना। आज तक हमारे नेता क्या करते थे, खुशहाली का माहौल बताते थे, हमने उस डायस पे से कहा ना, राम मंदिर के मुद्दे पे हमने बात कही ना, उसमें हकीकत उसकी शुरुआत कैसे भी कैसे सेक्युलर के नाम पे हमको गुमराह कहा गया, उस बात के ऊपर बात की और उस बयान के ख़त्म होते हुए हमने कहा कि ऐसे गुमराह और अपने आप को सेक्युलर और कौम के रहनुमा बताने वाले लोगों ने हमारे साथ कैसा खिलवाड़ किया, उससे अच्छी तो बीजेपी थी, वो तो सामने से वार करती है। बताइए ना, बगल में छुरी रख के पीछे से वार करने वाला अच्छा है कि सामने से वार करने वाला? तो हमने उस बात को सरा दिया कि सामने से तो वार कर रहा, हमको पता तो है कि हम इससे बात करें ये हमारा हो नहीं सकता है और हम अकलियत को कहाँ भूले, हमने कहा उससे अच्छे तो दादा है। बयान को सुनिए मुकम्मल तौर पे, उससे अच्छा तो दादा है, हमारे लिए लड़ा तो सही अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री शिंदे साहब के नेतृत्व में जब उनको लगा कि सतारा में अकलियत के लोगों के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ कोई गांव वाले ने, वहाँ के कोई महापौर ने, सरपंच ने, किसी ने उनको बुलाया नहीं था, बट उनको लगा कि ये कौम को मैंने जबान दिया हूँ, वो खुद चल के सुबह सतारा गए, जो इंजीनियर का खून हत्या की गई थी उसके घर में जाके मिले, वहाँ के आवाम से मिले और वहाँ उन्होंने जिन लोगों ने गलत शरारत की थी उनको कटघड़े में खड़ा करके सजा दिला, उनको अंदर किया। अजीत दादा ने अपने बयान में कहा जहाँ भी कौम के मामले में जब तकलीफ़ में झूठी बातें की जाती है गलत तरीके से, अजीत दादा ने किया तो क्यों ना उस शख्स के साथ हम खड़े रहे, ये हमने बयान किया। बट पहला अल्फाज और दूसरा अल्फाज जोड़ के अलग बनाने का, अरे पिक्चर देखनी है तो पूरी देखो ना, बीच में कोई अल्फाज से तो इंसान हर एक विलन दिखेगा, ये उनकी खासियत है क्योंकि उनका हीरो नीचे उतर रहा है ना, वो अपने आप को कौम का जो मसीहा बता रहे थे उनकी असलियत अंदर आ रही है ना, आने वाले दिनों में तो और हकीकत सामने आएंगी। पूरे देश में मुसलमानों के ये जो हालात हो रहे हैं, महाराष्ट्र में शांत राष्ट्र माना जा रहा है महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जबरन नारे लगवाए जा रहे हैं, जैसे हाल में मीरा रोड का मामला आया, वहीं ट्रेन का मामला सामने आया था, मारे गए, मारा गया, जबरन नारे लगवाए गए। आप लोग सरकार में हैं और कुछ नेता जाकर गलत बयानबाजी है, डिस्पीच दे रहे हैं, तो आप लोग सरकार में तो इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? देखो उल्टा बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई मीरा रोड में। सुनो, जिस दिन मीरा रोड के कुछ लोग यहाँ मौजूद है इस महफिल में मुझे नज़र आ रहे, उनसे आप पूछ सकते हैं बाद में कि
जब लीरा रोड में ये वाकया हुआ उसके बाद किसने पहल किया, उसके बाद में पनवेल में जो वाकया हुआ किसने पहल किया, और हमने डायस पे से हमारे आमदार बाबा जानी दुर्रानी ने उनका भाषण सुनिए, हमने हमारा ऐतराज़ पूरा बताया और उसके ऊपर ऐतराज़ बताने के बाद हमको रिजल्ट मिला। बुलडोजर फिर कैसे चला? बुलडोजर पहले चला, बुलडोजर चला दूसरे दिन जो कार्रवाई रुकाई गई और दूसरे दिन सामने से माहौल जो खराब करने का रुकाया गया, और हमने डायस पे से हमने ठहराव किया कि हम अकलियत का साथ छोड़ेंगे नहीं, और हम अकलियत के लिए भले हम सरकार में रहे, सरकार में रह के अपनी आवाम को मदद करेंगे और गलत चीज़ों को रोके और रोके या वहाँ के आवाम को जाके बताइए। सब चीज़ चैनल पे नहीं आ सकती और सब चीज़ खुल के बात नहीं हो सकती, आप आवाम से जाके पूछिए। हमारा ज़मीर मरा हुआ नहीं है, हमारे अकलियत के मामले में हमारे जज्बात मरे हुए नहीं है, इसीलिए स्टेज पे हज़ारों की तादाद में 600-700 किलोमीटर दूर मुसलमान वहाँ मौजूद थे भाषण सुनने को, और वह हमारा पूरा बयान था। हकीकत में जो सेकुलर और कौम के मसीहा बता रहे हैं अपने आप को, उनका हमने पित्ता खोड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में एक वहम डाला मुमरा का उसा के कि कलवा के वोट नहीं मिलेंगे, और कलवा के नहीं देंगे तो कोई एक मुनाफिकीन आपके पास आएगा चुन के जो आपको तकलीफ देगा, उससे अच्छा मसीहा मैं हूँ मुसलमानों का। वो कितने बड़े मसीहा है और उनकी नीति कितनी मुसलमानों के खिलाफ है, वक्त पे हम बताएंगे आपको। अभी जी राजा सिंह बताया जा रहा है 25 तारीख को आने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, क्या वारिस उस चीज़ भी रोक दिया गया? सुनो, 19 तारीख को जो हुआ, 25 तारीख को वो आते नहीं आते, वो आने वाले दिनों में देखिए। हमने हमारा प्रोटेस्ट जाहिर किया है, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है हमको, पुलिस फोर्स के ऊपर, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल, मुमरा कौसा के जो ऐसे नेता हैं जो आपसे पर्दे के पीछे आकर मुलाकात करते हैं, तो पर्दा हटाकर आप उनको तब सामने ले? देखो, मेरे को तो गाना गाना आता नहीं आपके विधायक के जैसा, ये तो मैं भी गाया होता पर्दे के पीछे, तो मेरी आवाज़ तो इतनी सुरेली नहीं है कि मैं गाना गाऊँ, क्योंकि मेरे को कोई लिख के देता नहीं है, जो मेरे दिल में वो ज़बान पे होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत से मैंने, आपने जब मेरे से 3 महीना पहले इंटरव्यू लिया था इस्लामुद्दीन भाई, मैंने आपको जब भी कहा था कि वक्त पे लोग जैसा जुड़ते रहेंगे, गर्दियाँ बढ़ते रहेगी तो आपको पता चलेगा, और ये गर्दी किसी दबाव की नहीं है, इनका कोई बिल्डिंग का काम नहीं चल रहा है लीगल इलीगल मित्तल में या किधर कि दबाव के मारे रुक जाएंगे। हकीकत में सच्चा कार्यकर्ता जुड़ेगा, कौम की खिदमत करने वाला हमसे जुड़ेगा और उसको ताकत देने का काम हम करेंगे।